Hello students, today we shall start next chapter which is matrices continued. Matrices ki aage continuation mein ek chapter aur hai which is your chapter number 7, right? Isme hum karenge adjoint of a matrix and inverse of a matrix, system of linear equations and their solution by using of inverse of a matrix, right? So first of all we shall start adjoint of a matrix. What is adjoint of a matrix? If A is equal to Aij is n cross n matrix. First of all, जिस matrix के adjoint की हम बात करेंगे हमेशा वो कोई एक square matrix होगी, मतलब उसके number of rows, number of columns बराबर होंगे, right? So if A equal to Aij is any n cross n matrix, then what do we mean by adjoint of a matrix? Adjoint of a matrix will be Bij matrix. It will be n cross n. Us matrix ka transpose hoega, right? Where what is Bij? Bij is cofactor of Aij in the matrix A. राइट सबसे पहले हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर वहां से एक मैट्रिक्स बनेगी, राइट? मतलब वी विल रिप्लेस आई जे एथ एंट्री ऑफ ए बाय इट्स कोफैक्टर. एक मैट्रिक्स बन जाएगी, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लेंगे, देन दैट विल गिव यू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, राइट? हम एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा व्हाट इज एडजॉइंट. एग्जाम्पल नंबर 1, इट सेज फाइंड the adjoint of the matrix A which is equal to 1, 2, 3, minus 5. We have to find adjoint of this matrix, right? Solution. So, सबसे पहले हम क्या करेंगे? This is your A equal to 1, 2, 3, minus 5. This is A 1, 1, A 1, 2, A 2, 1, A 2, 2, right? So what will be adjoint of A? It will be B 1 1, B 1 2, B 1 3, B 2 1, B 2 2 by definition is matrix ka transpose, right? Where what is B 1 1? It is cofactor of A 1 1. What is B 1 2? It is cofactor of A 1 2. B 2 1 is cofactor of A 2 1. B 2 2 is cofactor of A 2 2. Okay? So what is B 1 1? It is cofactor of A 1 1. That is minus 1 plus 1, minus 1 ki power 1 plus 1 into A 1 1 ka cofactor kya hoga? Means 1 ka cofactor. This is gone, this is gone. It will be minus 5. Right? Minus 1 ki power 2 is 1. So it is minus 5. Now what is B 1 2? Cofactor of A 1 2. This is gone, 3. Minus 1 ki power 1 plus 2 times 3 which is minus 3. ठीक है, what is B 2 1? Minus 1 की power 2 plus 1. इस matrix, इस element का cofactor means इसका. This is gone, so it will be 2. So it is minus 2. B 2 2, it is minus 1 raised to 2 plus 2, right? B 2 2, it is minus 1 raised to 2 plus 2. A 2 2 का cofactor, मतलब minus 5 का cofactor. This will be gone, that is 1, right? So it is 1. ठीक है, सो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं. बी वन वन इज माइनस फाइव, बी वन टू इज माइनस थ्री, बी टू वन इज माइनस टू, बी टू टू इज वन. इज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. व्हाट इज दिस? माइनस फाइव, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन. सो दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स. क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने हर एक एलिमेंट को रिप्लेस किया उसके एडजॉइंट के साथ, फिर जो मैट्रिक्स बनी उस मैट्रिक्स का हमने क्या लिया, सॉरी, हमने हर एक एलिमेंट को रिप्लेस किया उसके कोफैक्टर के साथ, फिर जो मैट्रिक्स बनी उसका हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया, राइट? दिस वे यू विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स. एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड the adjoint, find the नहीं, हम इसका एक अगली एग्जाम्पल में कर लेंगे जिसमें हम एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लेंगे और कुछ और भी चीजें प्रूव कर लेंगे, राइट? हाँ जी,
ये था 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट। 3x3 का भी देखेंगे कैसे निकालना है। ऐसे ही निकालना है, बस कोफैक्टर वहां पे थोड़ा काम है निकालने के लिए। नेक्स्ट इज अ थ्योरम। दिस थ्योरम वी विल नॉट प्रूव, वी विल डू ओनली इट्स स्टेटमेंट। व्हाट डज दिस थ्योरम से? इट सेज इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then a into adjoint of a is same as adjoint of a into a. तो पहला पार्ट क्या कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स अपने एडजॉइंट के साथ कम्यूट करती है। वैसे दो मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, देन ए इंटू बी नीड नॉट बी सेम एज बी इंटू ए, राइट? बट हियर यू से दैट ए जो है कोई भी मैट्रिक्स अपने एडजॉइंट के साथ कम्यूट करती है, कि आप ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ले लो या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ले लो, बोथ विल बी सेम, राइट? और ये दोनों बराबर भी किसके होते हैं? दे आर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, राइट? एंड दिस बोथ थिंग्स आर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन इज व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, राइट? नेक्स्ट थ्योरम, इसका भी हम प्रूफ नहीं करेंगे। इट सेज इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज गिवन बाय ए की डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। इसका भी हम प्रूफ नहीं करेंगे। वी विल डू ओनली रिजल्ट कि एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स होती है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस वन, वेयर व्हाट इज एन? एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, राइट? सो ये दोनों रिजल्ट हमने याद रखने हैं। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए व्हिच इज इक्वल टू 1, 4, 5, 3, 2, 6, 0, 1, 0. You find adjoint of this matrix and verify A into adjoint of A is same as adjoint of A into A is same as determinant of A into I3. ठीक है? And we are to verify first theorem. ठीक है? Using this, right? Thank you. Solution. So सबसे पहले हमने क्या करना है? इस matrix का adjoint find करना है. So let this be this one, 1, 4, 5, 3, 2, 6, 0, 1, 0. What is adjoint? सबसे पहले हम सभी के cofactor find out करते हैं. If this is A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, then what is adjoint of A? By definition, it is Bij, this matrix ka transpose, right? Where what is Bij? It is cofactor of Aij. ठीक है? So first of all, what is B11? It is cofactor of A11. What is cofactor of A11? A11 is 1 here. This is gone, determinant of this matrix. Minus 1 ki power 1 plus 1 times determinant of 2, 6, 1, 0. So it is minus 6 into 1, minus 6. ठीक है? What is B12? It is cofactor of A12. Minus 1 की power 1 plus 2, cofactor of A12. This is gone. 3, 6, 0, 0. So it is 0, right? What is B13? It is cofactor of A13. It is minus 1 की power 1 plus 3 in determinant of B13, cofactor of A13, मतलब इसका cofactor, this is gone, 3, 2, 0, 1. That is 3 and this is 1, 3. Right? So, next we will find B21, that is minus 1 की power 2 plus 1 into B21. B21 मतलब इसका cofactor, This will be gone. 4, 5, 1, 0. Determinant of 4, 5, 1, 0. ठीक है?
सो दिस इज माइनस 0 माइनस 5, सो इट इज प्लस 5. ठीक है, सो सेम वे यू विल कैन फाइंड ऑल अदर कोफैक्टर्स. बी टू टू आपका आ जाएगा 0, बी टू थ्री आपका आ जाएगा माइनस 1, बी थ्री वन आपका आ जाएगा 14, बी थ्री टू आपका आ जाएगा 9, बी थ्री थ्री आपका आ जाएगा माइनस 10. ठीक है, सो वॉट इज एडजॉइंट ऑफ ए? इट इज बी आई जे. ये जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे उसका ट्रांसपोज बी आई जे. बी वन वन क्या निकला हमारा? माइनस 6. बी वन टू क्या निकला? 0. बी वन थ्री क्या निकला? 3. बी टू वन हमारा है 5, 0, माइनस 1, देन 14, 9, माइनस 10. इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, राइट? सो व्हाट इज दिस? इट इज माइनस 6, 0, 3, 5, 0, माइनस 1, 14, 9, माइनस 10, राइट? सो नाउ वी वेरीफाई द रिजल्ट that A into adjoint of A is same as adjoint of A into A, same as determinant of A into identity matrix. What is A into adjoint of A? What is A? A is 1, 4, 5, 3, 2, 0, 0, 1, 0, 3, 2, 6. What is this adjoint of A? Minus 6, 5, 14, 0, 0, 9, 3, minus 1, minus 10. ठीक है? इन दोनों matrices को जब आप multiply करेंगे, this into this, that is, माइनस 6 प्लस 0 प्लस 15, दिस इनटू दिस 5, 0, माइनस 5, देन दिस इनटू दिस 14 प्लस 36 माइनस 50, देन दिस इनटू दिस माइनस 18 प्लस 0 प्लस 18, देन दिस इनटू दिस 15 प्लस 0 माइनस 6, देन दिस इनटू दिस 42 प्लस 18 माइनस 60, this into this minus 0 plus 0 plus 0, this into this 0 plus 0 plus 0, this into this 0 plus 9 plus 0. ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट विल बी 9 0 0 0 9 0 0 0 9. सो व्हाट इज दिस? 9 टाइम्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट? ठीक है, same way you will find adjoint of A into A. वो भी किसके बराबर होगा? 9 times 100010001. ये भी इसके बराबर आ जाएगा. Now what is determinant of A? Determinant of A जब आप निकालोगे it will be 9. ठीक है, so these two matrices are same. A into adjoint of A same as adjoint of A into A. और ये बराबर भी किसके हैं? इसके. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Determinant of A into I3. ठीक है, क्योंकि 9 क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए. और ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, राइट? नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 3. इट सेज इफ ए is a square matrix of order 3, if A is a square matrix of order 3 such that adjoint of A ka jo determinant hai, that is 16, then find determinant of A. ठीक है, solution. अभी अभी हमने theorem number 2 की थी जिसमें ये result था कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है डेट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1, वेयर व्हाट इज एन? एन इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए. ठीक है, सो हियर एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है डेट विल बी इक्वल टू, इन दिस केस बिकॉज ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इट विल बी 3 माइनस 1, दैट इज 2. ठीक है, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो स्केयर है वो किसके बराबर है? एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट के बराबर, जो कि किसके बराबर दिया हुआ है हमें? 16 के बराबर. ठीक है, सो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 16 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा? या प्लस 4 होगा या माइनस 4 होगा, राइट? नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 4. इट सेज इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए जो मैट्रिक्स है वो ये है, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट किसका? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का, राइट? हाँ जी, वैसे तो हम इस डिटर्मिनेंट को उस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं बाय दैट रिजल्ट,
that if A into adjoint of A is same as adjoint of A into A is same as determinant of A is same as determinant of A into I 2, ठीक है, बिकॉज आइडेंटिटी यहाँ पे एक जो ऑर्डर है वो 2 है, ठीक है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A into adjoint of A किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A into I 2, ठीक है. इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स into I डिटर्मिनेंट ऑफ A, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A I 2 क्या होता है 1 0 0 1, ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस व्हिच इज डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, ठीक है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A, A इज दिस मैट्रिक्स, व्हाट इज डिटर्मिनेंट, AD माइनस BC, सो AD माइनस BC इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, राइट. चाहो तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर लो, या सिंपली आप क्या करो, एडजॉइंट ऑफ A निकालो, A आपको दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ A जब आपका निकल आएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो A और एडजॉइंट ऑफ A को, फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसका आप क्या निकाल लो, डिटर्मिनेंट, ठीक है. तो उस तरीके से भी ये जो डिटर्मिनेंट आएगा इसके बराबर के, ठीक है. सो यू कैन यूज बोथ मेथड्स विच एवर यू लाइक, ठीक है. सो दिस इज ऑल आई हैव टू से इन दिस एक्सरसाइज. नाउ यू कैन कम्प्लीट योर एक्सरसाइज 7.1. इस एक्सरसाइज का आपने हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी फेयर नोटबुक पे उतार लेना है, ताकि एग्जाम टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए किसी भी क्वेश्चन को समझने में. ओके, थैंक यू.